अगली खबर गया से आ रही है। गया शहर के मुख्यालय स्थित टी मॉडल प्लस दो इंटर विद्यालय गया में 2019 तत्कालीन प्रभारी मृत्युंजय कुमार द्वारा लगभग 6 लाख रुपए का गबन किया गया और उनका स्नातक शैक्षणिक डिग्री गलत पाई गई। मगध प्रमंडल आयुक्त ने दोषी शिक्षक पर अविलंब प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी राजदेव राम के द्वारा किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की गई। इस पर सुनवाई चल रही थी, जो सुनवाई में साबित हुआ कि गबन मृत्युंजय कुमार ने किया है और डिग्री भी इनकी फर्जी पाई गई है। आपका चैनल को मैं स्वागत करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि यह मामला गया जिला मुख्यालय के अंतर्गत प्लस टू टी मॉडल इंटर विद्यालय गया का यह मामला है, 2019 का मामला है, गबन का मामला है, जो तत्काल प्रभारी श्री मृत्युंजय कुमार बने थे, जो 6 लाख रुपया का गबन किया गया। गबन का मैं सूचना के अधिकार से प्राप्त किया, 6 लाख रुपया गबन हुआ है और मुझे ये भी पता चला कि इनका डिग्री फर्जी है। मैं इनका डिग्री जांच का भी मैं मांग करता रहा, लोक शिकायत जिला लोक शिकायत में भी इस मामला को दिया, मगर कहीं कहीं वहाँ भी निपा पोती इस मामला को किया गया। मैं लगातार 2019 से प्रयास करते रहे, इसके बाद मैं गया जिला आयुक्त महोदय के पास मैं अपना आवेदन दिया, वहाँ पर सुनवाई चला जिसमें छानबीन में पूरे तरह से सत्य पाया गया कि किसी तरह का कोई भाउचर कोई सत्यापित कागज नहीं है जो पैसा निकासी किया गया मृत्युंजय कुमार के द्वारा, उसका कहीं कोई लेखा जोखा नहीं है, जिससे ये प्रूफ होता है कि 6 लाख रुपया का गबन किया गया है, यह साबित हो गया। माननीय जिला के आयुक्त महोदय इसको प्रूफ कर दिया और डिग्री का भी कहीं न कहीं कोई कागज सत्यापन कर नहीं मिला, इससे डिग्री भी इनका फर्जी पाया गया। तो माननीय नगर माननीय आयुक्त महोदय, FIR का आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी गया को उन्होंने 13/5/2023 को चिट्ठी जारी कर DO मुख्यालय में भेज दिया गया, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैं 2-4 बार संपर्क करना चाहे फ़ोन के माध्यम से, फ़ोन रिसीव नहीं किए। उसके बाद मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ लिख कर दिया हूँ, मैं बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री के यहाँ दिया हूँ, निदेशक के यहाँ भी मैं दिया हूँ, शिक्षा माध्यमिक निदेशक महोदय के पास भी मैं दिया हूँ।